महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा की नई तारीख का ऐलान आज किया जाएगा। कोरोना की वजह से परीक्षा टालने का छात्र पुरजोर विरोध कर रहे थे। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में छात्रों का गुस्सा उफान पर है। सड़क पर उतरे छात्रों का ये प्रदर्शन सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें कोरोना की वजह से MPSC यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा टाल दी गई। MPSC की परीक्षा 14 मार्च को होनी थी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ शहरों में सख्ती शुरू कर दी है। यही वजह है कि प्रशासन ने MPSC की परीक्षा को टालने का फैसला ले लिया। कोरोना काल शुरू होने के बाद से अब तक 5 बार MPSC की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बार परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने पर छात्र आग बबूला हो गए। प्रदर्शन करने उतरे छात्रों को विपक्ष का भी साथ मिला। बच्चों परीक्षा में तो सोशल डिस्टेंसिंग से बैठते, बावजूद उसके परीक्षा को रद्द करना है, गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। छात्रों के गुस्से को देखते हुए राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि हफ्ते भर के अंदर परीक्षा ली जाएगी। ही जी परीक्षा अपन 14 तारखेची पुढे केलेली आहे ती महिना 2 महिने 3 महिन्यासाठी नाही तर केवळ काही दिवसांसाठी करत आहोत। आज मी आपल्याशी बोलतोय, आज 11 तारीख आहे, उद्या ही तारीख जाहीर झालीच पाहिजे आणि ही तारीख येत्या 8 दिवसातलीच असली पाहिजे। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सवाल विपक्ष पर भी कि छात्रों की नाराजगी पर सियासत क्यों हो रही, क्या सियासत लोगों की जान से बढ़कर है? न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।